गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज से हम अपना एस ए वन का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एस ए वन का सिलेबस है, आपका जो यू टी वन का सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, अब आप एस ए वन की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो एस ए वन में जो है वो आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं और आप भी अपनी कॉपी पर नोट कर लिएगा। ठीक है, अब आप जब अपनी कॉपी पर एस ए वन का वर्क स्टार्ट करेंगे तो ऐसे करके एस ए वन डाल लिएगा और यहाँ पर ऐसे सिलेबस नोट कर लिएगा। ठीक है, चैप्टर फोर है इवन एंड ऑड नंबर्स जो हम आज पढ़ेंगे, देन चैप्टर नंबर फाइव है एडिशन, चैप्टर नंबर सिक्स है सब्ट्रैक्शन, चैप्टर नंबर सेवन है मल्टीप्लिकेशन, देन चैप्टर नंबर एट है डिवीजन। ठीक है, ये सब चैप्टर्स आपके एस ए वन के सिलेबस में आएंगे। ठीक, तो आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं इवन नंबर्स। सी, इवन नंबर्स हैं सबसे पहले। ठीक है, सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ एट टॉयज, मान लीजिए कि आपके पास एट टॉयज हैं। ठीक है, अगर हम उन्हें ग्रुप वाइज डिवाइड करते हैं तो एक ग्रुप में या एक पेयरिंग में, अगर हम उन्हें पेयरिंग में डिवाइड करते हैं तो एक पेयर में टू टू टॉयज जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे हमने क्या करा है, एट टॉयज को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है टू टू करके, तो सारे ग्रुप्स में जो डिवाइडेशन हो रहा है यानी कि जो हमारे टॉयज हैं वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, पहले में भी दो हैं, दूसरे में भी दो हैं, थर्ड में भी, और सारे ग्रुप्स में जो हमारे टॉयज हैं वो इक्वली डिवाइड हैं। ठीक है, इज देयर एनी सिंगल टॉय लेफ्ट, क्या कोई भी टॉय बचा, नहीं, सो इट कैन बी फुली ग्रुप्ड इन टू पेयर, यानी कि जो एट नंबर है उसको हमने क्या कर दिया, फुली ग्रुप्ड में या पेयर में डिवाइड कर दिया इजी से। ठीक है, तो सच नंबर विच कैन बी फुली ग्रुप्ड इनटू पेयर्स, ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं ग्रुप में पेयरिंग कर लेते हैं, इजीली डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, या जैसे कि जीरो टू फोर सिक्स एट, ये सब क्या हैं, हमारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो पेयर्स में इजीली सेट हो जाते हैं, जैसे कि टू है, अगर लास्ट में किसी नंबर में जीरो टू फोर सिक्स एट आ रहा है तो वो इवन नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी है नंबर्स एंडिंग इन जीरो टू फोर सिक्स एंड एट आर इवन नंबर, ऐसे नंबर जिन जो खत्म होते हैं कहाँ पर, जीरो टू फोर और एट पर, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे इवन नंबर्स। ठीक है, जैसे 10, 12, 24, 36, 48, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर है अगर वो इन नंबर्स पे आके एंड हो रहा है तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई सबको, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 0, 2, 4, 6 या 8 पे आके एंड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं और हम उन्हें पेयरिंग में इजिली ग्रुपिंग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑड नंबर्स। अब जैसे कि हमारे पास ये फाइव एप्पल्स हैं, अब जैसे हमने यहाँ पे एट टॉयज को डिवाइड किया था वैसे हम यहाँ पे फाइव जो हमारे एप्पल हैं उनको क्या करेंगे, ग्रुप में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे पहले ग्रुप में टू आ गए, दूसरे ग्रुप में भी टू आ गए, लेकिन तीसरे ग्रुप में क्या हुआ, एक ही आया। ठीक है, तो ये हमारी पेयरिंग सही से कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पेयरिंग में डिवाइड नहीं कर सकते या पेयरिंग में उनकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। और ऑड नंबर्स किस पे एंड होते हैं, वन थ्री फाइव सेवन और नाइन, ये सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स एंडिंग इन वन थ्री फाइव और सेवन, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं और जितना भी बड़े से बड़ा नंबर होगा अगर वो वन थ्री फाइव सेवन या नाइन पे एंड हो रहा है तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए 11, 13, 25, 37, 49, ये सब क्या है, हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम ग्रुपिंग में या पेयरिंग में सेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर, और जो एंड होते हैं हमारे
2, 0, 2, 4, 6, 8 पर, ठीक है, देट आर इवन नंबर्स, और जिन्हें हम पेयरिंग में या ग्रुपिंग में उनको नहीं सेट कर सकते, और जो एंड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 पर, वो हमारे ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट हो गया इवन और ऑड नंबर का। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे पेयरिंग दी हुई है, एक आपके लिए करके भी दिखाया है, और नेक्स्ट में क्या करना है आपको करके बताना है। जैसे कि बोला है रिंग द ऑब्जेक्ट, हमें पेयरिंग में करना है, और फिर ये भी बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, जैसे कि पहला एक आता है, पहला आपके लिए किया हुआ है, जैसे इसमें 2 डॉल्स हैं, इसमें भी 2 डॉल्स हैं, इस वाले में 2 है, लेकिन ये 1 रह गई, सिंगल रह गई। ठीक है, यानी कि पेयरिंग हमारी सही से नहीं हो पाई, तो हमारी जब पेयरिंग ही नहीं हो पाई तो वो कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, और ये है भी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने आपको बताया था जो क्या कहते हैं इवन नंबर होते हैं वो 0, 2, 4, 6 और 8 पर एंड होते हैं, और जो हमारे ऑड नंबर होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 9 पे एंड होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑड नंबर। ओके, ऐसे देखिए, ये कार्स हमें दी हुई हैं, हमने पेयरिंग करी है 2 की, फिर ये 2 की, तो ये कितनी आ गई कार्स हमारी, 4 आ गई, तो 4 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स पे टिक करना है। ठीक है, जो हमारे ऑड नंबर्स हैं उन पे टिक करना है, तो मैंने आपको बताया था जो ऑड नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, लास्ट में 1, 3, 5 और 9 आता है। ठीक है, जैसे कि पहली रो में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे। इसी नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें 7, 3 और ये 5, ये 3, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, 7, 9, 3, ठीक है, 9, 3, 9, 7, 7, 9, 5, ठीक है, तो जो नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9 पे एंड हो रहे हैं वो क्या है, हमारे ऑड नंबर हैं। ठीक, ऐसे ही अब नेक्स्ट में क्या पूछा है हमसे, इवन नंबर्स पूछे हैं, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, जो 0, 2, 4, 6 और 8 पर एंड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। जैसे कि ये 0 पे एंड हो रहा है, ये 8 पे एंड हो रहा है, ये 6, ये 4, फिर 4, 2, 8, 4, 0, 6, 6, 4, 4, 4, 2, 6, 0, 2, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स, इसके आगे के जो नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं वो हमें लिखने हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर्स आपको दिए हैं, 62 और 64, इसके अब 64 के बाद क्या आएगा, 65, लेकिन वो तो ऑड है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 66, फिर 67, 7 नहीं क्योंकि वो ऑड है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 68, फिर 70, फिर 71 नहीं 72, फिर 73 नहीं 74। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाला देखिए, 10 है, 12 है, फिर 13 नहीं 14, 15 नहीं 16, 17 नहीं 18, फिर 20 और 22। इसी तरह से हमें क्या करना है, इन सब में 5 इवन नंबर्स आगे के लिखने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, और जब तक आप इसमें नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें क्या करना है, हमें ऑड निकालने हैं। ठीक है, जैसे 13 और 15 दे दिया, तो हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स बताने हैं आगे के, जैसे कि 17, 15 के बाद क्या आएगा, 16, लेकिन 16 तो 6 पे एंड हो रहा है, और 6 पे एंड होने वाले क्या होते हैं, इवन होते हैं। ठीक है, तो 17, फिर 18 नहीं 19, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के अल्टरनेटिव नंबर्स, ओके, फिर 21, 23, 25, इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। सी चिल्ड्रन, देयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर टू फाइंड वेदर दे आर इवन और ऑड। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है, और बताना है कि वो इवन है या ऑड है। ठीक है, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं 2, 2 की। ठीक है, ये हमारा एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया। ठीक है, ये एक लेफ्ट रह गया, ठीक है, छूट गया ये भी। सी चिल्ड्रन, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिंग द ऑब्जेक्ट्स इन पेयर टू फाइंड वेदर दे आर इवन और ऑड, कि हमें रिंग करना है ऑब्जेक्ट्स को पेयर में, और बताना है उसके बाद कि वो नंबर्स जो हैं वो
और इवन है या ऑड है, ठीक है। तो जैसे पहले पेयरिंग करते हैं, देखिए ये हमारे पास थ्री पेयर्स आ गए, ठीक है, और एक हमारा लेफ्ट रह गया, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। मैंने आपको बताया था कि 0 2 4 6 और 8 पर जो नंबर्स एंड होते हैं दैट आर इवन, ओके, और 1 3 5 7 9 पर जो एंड होते हैं दैट आर ऑड, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना आया, 7। तो 7 इज अ ऑड नंबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑड में 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पेयरिंग करते हैं 1 2, ठीक है, दो पेयर बन गए हमारे और ये हमारी एक कैंडल रह गई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारा क्या हुआ, 5 हमारा ऑड नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में पेयरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें हमारी एक भी बॉल नहीं रही, सारी बॉल्स के पेयर बन गए। अब हम इनको काउंट करते हैं। अब जब पेयर्स बन गए तो हमें पता चल गया इवन है वो नंबर, लेकिन हमें पता करना है ये नंबर क्या है, ठीक है। तो सारी बॉल्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, क्योंकि वो 4 पे एंड हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास कुछ ट्रीज हैं, इनको पेयरिंग करते हैं पहले हम 1 2 3, एक हमारा छूट गया, ठीक है, तीन पेयर बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज ऑड नंबर, ठीक है। इनकी पेयरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी हमारा एक मैंगो रह गया। अब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो दिस इज ऑल्सो द ऑड नंबर, ठीक है, 13। तो हमने देखा इवन और ऑड नंबर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड सर्कल द ऑड नंबर्स इन ईच रो। हमें पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ये ऑड नंबर जो हमारे 1 3 5 7 9 पे एंड होते हैं, तो ठीक है, ये हमारा 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये तो 6 है, इसमें यहाँ पे ये इवन हो जाएगा, 33 इज ऑड क्योंकि वो 3 पे एंड हो रहा है, 8 नहीं 2 नहीं फिर 91, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 नहीं, 0 नहीं होता है हमारा 1, ठीक है, 8 भी नहीं होता है, 9 हमारा ऑड होता है, 6 भी नहीं होता है, 7 हमारा ऑड होता है, ठीक है। ऑड नंबर्स पूछे थे हमने, ऑड नंबर सर्कल कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा है एन सर्कल द इवन नंबर्स, अब हमें इवन नंबर्स जो है वो क्या करने हैं, सर्कल करने हैं, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 0 2 4 6 8 पर एंड होते हैं, जैसे कि ये 0 पे एंड हो रहा है, ये हमारा इवन हो गया, 8 हमारा इवन हो गया, 6 16 का 6 16 94 हमारा इवन हो गया। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, 14 इवन आ जाएगा, इसमें 2 और देन 38 जो है हमारा वो इवन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि राइट द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब इसके आगे के हमें 5 इवन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, जैसे 62 है, 64 है, अब अल्टरनेटिव चलेंगे, वो क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 70 72 देन 74, ठीक है। इसी तरह इसका भी करेंगे 28 30 32 34 36 38 देन 40, 5 इवन नंबर्स पूछे थे हमसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, 13 15 फिर 17 18 नहीं 19 20 नहीं 21 22 नहीं 23 और देन 25, ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर्स आ जाएंगे एक नंबर छोड़ के, 89 91 फिर 93 95 97 और ये 99, ठीक है, 93 91 92 93 94 95 96 97 और 98 99 और फिर देन 101, 5 नंबर्स पूछे थे हमसे,
ठीक है, अब कहा है राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 20 and 50, 20 और 50 के बीच में हमें जितने क्या है ऑड नंबर्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर्स क्या, ऑड नंबर क्या आ जाएगा हमारा 21, फिर 23, 25, 27, 29, 31, 32, 43, 45, 47, then 49, ठीक है, 50 तक ही पूछे थे इसलिए 49 पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 60 and 90। अभी हमसे ऑड नंबर पूछे थे 20 and 50 के बीच, आपका क्या पूछा है, इवन नंबर्स पूछे हैं 60 to 90 के बीच, ठीक है। तो इवन नंबर्स लिखते हैं 62, 64, 66, 68 और 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 और 88, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑड एंड इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट फिनिश। ओके, थैंक यू क्लास।